ले 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 ले। कल रात को थोड़ा हल्का बूंदाबांदी भी देखे पहाड़ में, बर्फ इधर बर्फ जमा हुआ है, इधर बादल भी आए हैं बहुत ज़्यादा, और कल हल्की हल्की बर्फ जमी है इधर इस पहाड़ में अब, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है चारों तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग लगा रहे हैं हल, कल भी हमने हल लगाया था, कल उधर लगाया था गांव साइड, लेकिन आज गौशाला साइड आए हुए हैं, तो यहाँ पे पापा लगा रहे हैं अभी हल। और इतना जिद लगाया ना मैंने लगाया, क्योंकि पहले तो बैलों ने इधर उधर किया, देखे इधर यहाँ यहाँ गए उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, और अभी जाके थोड़ा बहुत लगा रहे हैं। ओह माय गॉड, थकान भी लग गई है। तो भाई आज से लगा लो, खेती का काम भी शुरू हो चुका है, और अब ज़्यादातर आपको खेत में दिखेंगे हम लोग। और अभी नाश्ता वास्ता भी कुछ नहीं है, ऊपर पे हमारा गौशाला दिख रहा है, गौशाला। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है अभी इधर इस गांव में, हमारे वो जब नीचे वाले गांव में थे ना वहाँ पे ठंड नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कड़ाक वाली ठंड हो रही है शाम सुबह, और दिन में तो अभी धूप आई नहीं तो क्या बता सकते हैं, है ना। तो कल शाम को भी बहुत तगड़ी वाली ठंड हुई थी, और सब लोग हल लगा रहे हैं, नीचे चाचा लोग भी हैं लेकिन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन वहाँ भी है। और देखिए फूल क्या मस्त लग रहे हैं चारों तरफ, इधर सामने इधर नीचे, और मम्मी कर रही है नीचे पे गुड़ाई, हरन की गुड़ाई कर रही है, और पापा लगा रहे हैं हल। और इस बैल का नाम है हीरो, उसका नाम है झलवा, ये हीरो है। बस 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 देखिए इस तरह से लगाते हैं पहाड़ों पे हल। और अब तो ट्रैक्टर भी है, तो इस बार हमारा ट्रैक्टर थोड़ा खराब, चाक लो के बैल बैल लेके आ रखे हम लोग। तो दोस्तों फाइनली हम लोग इतना हल लगा लिए हैं, अभी नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर लगाते हैं, देखते हैं कब तक बैल लगाते हैं, क्योंकि ये बैल ऐसे हैं ना कि भागते बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अगर एक बार छूट गए तो फिर रुकने वाले नहीं हैं। और अभी हमने बैल को घास दे दिया, हम लोग भी करते हैं नाश्ता, पापा गए थे नाश्ते लेने तो पापा उधर बैठे हैं, मम्मी बड़ी इधर आ जा नाश्ता लेके, लेकिन पापा उधर चले गए। तो अभी हम लोग करेंगे नाश्ता नाश्ता, और हैप्पी आ जा चल नाश्ता करने, हैप्पी भी आ गया हमारा। हेलो गाइस, तो अभी हम लोगों ने बैल बुल निकाल दिया है, मतलब इतना हल लगाया और बैल फिर भाग गए थे, और बैल को घर छोड़ के आ गया, और मम्मी यहाँ पे भाई की वीडियो देख रही है आर्यन बटोला ब्लॉग। और वहाँ पे कल भाई का बर्थडे था ना, तो उन्होंने केक को खिलाया, और जैसे बर्थडे बॉय को खिलाते ना केक, तो भाई ने केक को काटा और अपना खाने लग गया, तो वहाँ पे हंसी और मजाक हो रही, तो मम्मी देखे कैसा हंस रही है। तो मम्मी देखे हंस रही है तो दोस्तों हम लोग जान लग गए घर, क्योंकि बारिश बूंदाबांदी होने लग गया है, और पापा कर रहे हैं छोटे भाई से बात, और मम्मी अब गाय को पानी पिला रही है, फिर अंदर बांधेंगे गाय को और फिर निकलेंगे हम घर की ओर। तो देखिए भाई मौसम पूरा पैक हो चुका है, आसमान में पूरे बादल आ चुके हैं, इधर तो काले काले बादल आने लग गए हैं, तो देखते हैं क्या होता है, बारिश आएगी तो घर पर रहेंगे और नहीं आएगी तो शाम को फिर से आना पड़ेगा खेत में। तो देखिए मस्त नज़ारे,
फूल लग रहे हैं आजकल पेड़ों पे। हेलो दोस्तों, अभी शाम के हो गए हैं, 4 बज गए हैं और हम लोग खाना खाने के बाद सो गए थे। और जैसे उठे तो बाहर ना तगड़ी वाली बारिश आ रही है। देखें, ऐसा लग रहा है बरसात चल रहा होगा, खतरनाक बारिश। और अब खेत को तो जाना नहीं पड़ेगा, चाय चूर पीते हैं और फिर पुराने वीडियो उनको एडिटिंग करते हैं। काफ़ी दिनों से वीडियो मैं डाल नहीं पा रहा था, तो अब टाइम निकाल के वीडियो एडिटिंग करते हैं। अभी टाइम तो ऐसा है ही, और फिर खाना बनेगा, खाना खाते हैं फिर। वो भाई साहब, अंधेरा हो चुका है, वीडियो एडिटिंग करते करते पता नहीं चला और हो चुका है अंधेरा। चलते हैं खाना खाने। और इधर बन चुका है खाना पीना और अब खाते हैं। चुका का घर ली कोई है, कोई मम्मी ने बना रखी है पाई, और पापा देख रहे हैं खाना क्यों नहीं होगा, पाई खाएंगे दोस्तों। गर्म होता खाना खाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करते हैं वीडियो को यहीं समाप्त। आई होप कि वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है लाइक करें, शेयर करें। हाँ, सॉस भी दीदी, वाह भाई, पाई को सॉस में खाने में मज़ा ही कुछ अलग है। याद गमछा में खाओ। तो खाते हैं हम लोग, बाय बाय। पकड़ते हैं भाई।